खबर जौनपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हाथरस की घटना पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बाबाओं की दुकान चल रही है, इसे बंद करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बैसाखियों के सहारे चल रही है, जल्दी गिर जाएगी। बीजेपी की एक बार 13 दिन की सरकार थी, उसके बाद 13 महीने चली थी और इस बार 6 महीने ही चल जाए। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार जो है वो 6 महीने ही में ही वो चली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी के लोगों का घमंड नहीं टूटा तो आने वाले समय में पार्टी 240 की जगह 24 सीटों पर ही सिमट जाएगी। बीजेपी के लोग इतने घमंड में चूर थे कि एक गाना बनाया गया था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जिसके कारण प्रभु श्री राम रुष्ट हो गए। इसलिए अयोध्या से लेकर जहां जहां राम जी गए थे वहां वहां हार गए। संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। जब हम लोग बेरोजगारी, महंगाई, सेना के जवानों समेत कई मुद्दों पर बात करना चाहते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। पूरे देश में जिस तरह से अंधविश्वास का विस्तार हो रहा है और इसका खुला लाइसेंस मिला हुआ है, कोई भी अपने आप को बाबा घोषित कर देता है, भगवान घोषित कर देता है, परमात्मा घोषित कर देता है, चमत्कार करने वाला घोषित कर देता है, तो ये जो बाबाओं का बाजार पूरे देश में चल रहा है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इस पर एक सख्त कानून भी बनना चाहिए। ऐसे ही आप अंधविश्वास फैला के अगर लोगों को लाखों करोड़ों की भीड़ लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करो, करोड़ों अपने समर्थक तैयार करो, तो जो मर्जी आए आप करिए। हमने देखा हरियाणा में क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो जेल में है जब चाहता है पेरोल पे बाहर आ जाता है, पूरी की पूरी सरकार उसके सामने नतमस्तक है। यही हाल इस बाबा का है। देखिए पूरे देश में जिस तरह से अंधविश्वास का विस्तार हो रहा है और इसका खुला लाइसेंस मिला हुआ है, कोई भी अपने आप को बाबा घोषित कर देता है, भगवान घोषित कर देता है, परमात्मा घोषित कर देता है, चमत्कार करने वाला घोषित कर देता है, तो ये जो बाबाओं का बाजार पूरे देश में चल रहा है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इस पर एक सख्त कानून भी बनना चाहिए। ऐसे ही आप अंधविश्वास फैला के अगर लोगों को लाखों करोड़ों की भीड़ लोगों की भीड़ इकट्ठा करो, करोड़ों अपने समर्थक तैयार करो, तो जो मर्जी आए आप करिए। हमने देखा हरियाणा में क्या हुआ।